Yes, sir. So actually, it's raining so heavily here in Mumbai that there's internet issue. थोड़ी रेन इधर भी भेज दो, अच्छा, मतलब रेन के नाम पे सिर्फ रेन का सीजन है यहाँ पे, सिर्फ कहने के लिए है कि बारिश का सीजन चल रहा है। वाह, गुड, ही इज सो क्यूट. वेलकम। या जस्ट अ फ्यू मोर सो मिनट्स. या नहीं, अब तो दोबारा आ गया, अब 1 घंटा फिर है। एज लॉन्ग एज यू आई आर रेडी. एम जस्ट जोकिंग, माय वाइफ हैज गॉन डाउन फॉर अ वॉक, जब तक वो आती नहीं है तब तक मैं फ्री हूँ, अच्छा, वरना बोले कि फिर शुरू हो ग्रेट. गया तुम्हारा प्रवचन। ओके, सो आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, वेरी ऑफन पीपल फील दैट सर्टन थिंग्स आर नॉट देयर कप ऑफ टी। ओके, सो वी नीड टू ब्रेक दैट मेंटालिटी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद नहीं पता है कि आप वो कैसा कर सकते हैं। सो अनलेस यू ट्राई इट, अनलेस यू गो फॉर इट, यू योर सेल्फ डोंट नो वॉट यू विल डू इन इट। सो जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट आया तो उसमें पहले पेज पे 5 लाख रुपए की कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट थी, और देर वॉज अ फिल इन द ब्लैंक वेर आई हैड टू पुट माई डेली कॉस्ट, बिकॉज द फियर फैक्टर का जो फॉर्मेट था, हर दिन एक पेयर आउट होता था। एंड व्हेन आई हैड गॉन फॉर माय नेगोशिएशन, मेरे दिमाग में था कि मैं डेली का 10,000 रुपए मांगूंगा, अच्छा, और पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में क्या आया, जब व्हेन ही आस्क्ड आई सेड 50,000। सो समवन हु वाज अर्निंग 20,000 रुपीज एज अ क्लास 1 ग्रेड ए ऑफिसर इन द आर्मी टिल दैट टाइम. 2007 जुलाई, यस who यस started a new job and his new salary was 70,000 rupees a month, has moved to almost a 50 to 70,000 rupees per Per day day. kind of a remuneration for something that he has not taken any training for. यस ना मुझे किसी ने सिखाया था, ना मुझे किसी ने कुछ बताया था। सो वी मे डिस्कस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट टाइम, बट दिस इज वेयर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू बी रिवोल्यूशनाइज द होल स्पेस, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, जो म्यूजिक है, जो स्पोर्ट्स है, जिसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को हर बार डिस्करेज कर देते थे कि करेक्ट डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, करेक्ट इसके करेक्ट नंबर नहीं जुड़ेंगे, पीसीएम के करेक्ट आएंगे, दैट सिस्टम इज अबॉलिश्ड नाउ। अब इसके नंबर जुड़ेंगे एंड दीज आर कोर सब्जेक्ट्स। यस सो I always went ahead for things where I thought that there is a little bit of discomfort, there was a fear of unknown, and over a period of time, I think ये अपने अंदर अब एक चैलेंज बन गया है, और आप उस तरीके से खुद को देखने लगते हैं। जैसे कई बार आप किसी किरदार में इतने ज्यादा रोल प्ले को इतने सीरियसली करने लगते हो कि आप खुद से निकल के उस रोल प्ले में आ जाते हो। सो आई थिंक इन लास्ट 3 ईयर्स द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई हैव लिव्ड एंड द वे पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट मी, एंड फॉर दैट मैटर एनी वन हु इज परसीव्ड इन अ पर्टिकुलर वे, इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट इमेज। सो हर सुबह मेरे अंदर एक प्रेशर होता है कि मुझे अपने वर्कआउट्स को इंस्टाग्राम पे डालना है, देर आर सीरियसली. पीपल हु आर वेटिंग फॉर माई टूडेज रूटीन, बिकॉज देर आर एटलीस्ट 200 पीपल इंस्पिरेशन, हु दे टेक फॉलो द इंस्पिरेशन. सेम वर्कआउट दैट आई डू एवरी डे, एंड दैट्स द रीजन आई डू इट डेली, सेकेंड आई मेक श्योर दैट आई पब्लिश इट एवरी डे, अदरवाइज फॉर सम टाइम इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू, एंड इट वॉज ऑल्सो लिटिल एम्बेरसिंग, दिस इज नॉट माई जोना वेर आई आई डोंट वॉन्ट टू बी लुक्ड अपॉन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और अ फिटनेस पर्सन, एंड पीपल हुड बीन ऑन माई पेज ऑन माई हैंडल फॉर लॉन्ग, आई डोंट फीड माई स्पोर्ट्स न्यूज इन माई पेज, माई फीड इज नॉट अबाउट दैट, पीपल आर लुकिंग फॉर ओ एल क्यूज, आई से प्लीज फिगर आउट अ रोल मॉडल फॉर योर सेल्फ एंड फॉलो हिज लाइफ स्टाइल, दैट इज वेयर द ओ एल क्यूज आर। ओ एल क्यूज कोई आपको एक किताब के पन्नों से पढ़ के बताई हुई चीजों में अगर होता तो 50 किताबें हैं दुकान दुनिया में, आप जाइए पढ़िए और ओ एल क्यू बन कर लीजिए। So, I think it was a very wise decision that I took for that audition. I got selected. I made a lot of money. I made a lot of good friends.
most importantly, the kind of exposure and lifestyle that I saw when I was doing these shows, it changed me completely. It helped me think big. और अब मेरे डर भी बड़े हैं, अब मेरे रिस्क भी बड़े हैं, बट एट द सेम टाइम अब मेरे गेन्स भी बड़े हैं. तो आप जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा आपको सक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा. आप सेफ रख के अपने आप को छोटी छोटी चीजों में खेलते रहोगे, कंफर्ट जोन में ही रहेंगे. हाँ, तो आप कंफर्ट जोन में ही रहोगे, वो वहां पे आगे नहीं बढ़ पाओगे. मतलब कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी आपकी. समथिंग दैट यू कैन मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. आई मीन करेक्ट. सो लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड यू नो हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प आवर यंगर जनरेशंस, द मिलेनियल्स, द जनरेशन जेड एज दे कॉल. So the way I am looking at it, I'm sure there would be a lot of reforms to this new policy that has come. But the biggest positive that I see is especially for grade 6 onwards. Grade 6 onwards, when I say the biggest change is because छठवीं से लेके दसवीं तक का बच्चा ना, एक हर बच्चा एक ही चीज पढ़ रहा है. If you see in today's education system, every child is going through the same curriculum when it comes to grade 6 to grade 10. Is 5 saal mein you kill certain instincts in an individual, certain inclination in an individual in a particular field. I mean, I have two kids, I have twins and they are both 14, they are in grade 9. जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि मेरा बेटा मेरी बेटी से कंप्लीटली अलग है. मेरी बेटी बहुत सेंसिबल है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत उसको यूकेलिली बजाना भी आता है और वो म्यूजिक में उसका स्ट्रॉन्ग है. लुक एट द हिपोक्रेसी, वो दोनों सेम चीजें पढ़ रहे हैं. मेरे दोनों बच्चे जिनको मैं इतने प्राउडली बोलता हूं कि दोनों एकदम एक दूसरे से अलग हैं, दे बोथ आर स्टडिंग द सेम डैम थिंग. वही साइंस, वही मैथ्स, क्या अलग है फिर? व्हाट डिड आई डू टू एंश्योर दैट इफ गायत्री इज डिफरेंट फ्रॉम शोर, देन शी शुड बी स्टडिंग समथिंग एल्स. यस यस, होना चाहिए ना ऐसा. एब्सोल्युटली, आई डोंट हैव दैट ऑप्शन बेस्ड ऑन देयर इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट. एग्जैक्टली, मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं था. आज somebody saying sir, coding is not easy but government wants to start it from 6th class. हाँ, तो छठवीं से शुरू करेगा तो आठवीं में जाते जाते सीख लेगा ना. अब तो आज की डेट में तो इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू हो रही है. सो यू सी, किसी ने असेसमेंट किया है कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स कर सकते हैं, तभी वो क्लास 6 में है. कुछ तो जो वहां पे बैठे हैं उन्होंने डिसीजन लिया है, तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा. See, I don't know, इतने सारे लोग हैं, आपके siblings होंगे, online classes शुरू हो रही हैं, सब कुछ online हो रहा है. The world has realized that there is greater potential in conducting things online. Real estate, commercial space has doomed completely because a lot of big companies have now decided to allow work from home. ये online space सिर्फ आपके लिए थोड़े है, online space बच्चों के लिए भी है. And my daughter is in class 5, so she has this online classes every day. The school is online these days. I don't get to see both my kids through the day. You know, their school starts at 8 in the morning, 1:30 it finishes, they eat their lunch. 3 days in the week they have their tutions, and the other 3 days, now that they are teens, they don't want to see our faces because that's the only free time that they have, and I must allow them. So I think this new education policy is, first of all, there is something new in it, number one. Number two, another very important aspect, something that I typically liked was, aap 12th ke baad agar aap ek engineering ke student ho, aur 3 saal ke baad agar aapko drop out karna hai,
तो आप एक इंजीनियरिंग के ड्रॉप आउट से ज्यादा और कुछ नहीं थे. बट द न्यू सिस्टम सेज दैट इफ यू डू द इंजीनियरिंग फॉर वन ईयर यू आर अ सर्टिफिकेट होल्डर, इफ यू डू इट फॉर टू ईयर्स यू आर अ डिप्लोमा होल्डर, एंड इफ यू कंप्लीट इट देन यू आर अ कंप्लीट इंजीनियर. सो द ड्रॉप आउट रेंज इज एबॉलिश्ड कंप्लीटली. सी देयर इज नोबडी इज ड्रॉप आउट. जैसे हम लोगों के टाइम में होता था कि यूपीएससी का इंटरव्यू देके आए लोग. अब यूपीएससी के इंटरव्यू में नहीं हुआ, अब क्या भाई, यू आर अ ग्रेजुएट. तो इमेजिन अ गाय हु हैज क्रैक द प्रीलिम्स, ही हैज क्रैक द मेंस, और फिर वो इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू में नहीं हुआ. इंटरव्यू में जैसे ही नहीं हुआ वो ग्रेजुएट बन गया, उसके लिए कुछ नहीं है. So this new system is very beautifully, what it is doing is, it is also taking into consideration that how your journey is, where you come from. As well. Exactly. We all have seen the kind of, I don't want to talk pro-ruling government or party or opposition or something of that sort, but irrespective, now the term Atmanirbhar has come in the time of current government. So it's not that I would not say good things about Atmanirbharta. Self-sufficient hona ta matlab jab se srishti ki rachna hui hai, ever since we all should have been Atmanirbhar, right? Who doesn't want? In my own capacity, yes. I want to build something which is self-sustainable, and my kids and my family and everyone around myself should be, you know, comfortable doing that. And so this whole new system, there are 100 reasons why people don't go for higher studies. Today, I probably have an acumen and resources for my child, even if he does not do very well in his 12th, to probably send him to a very good university where the exposure, college, the cultural versatility, all of this put together, he may still come back as a better person. But it might cost me a crore. This liberty is not there with everyone. Someone might just want to start his living or livelihood after, right after grade 12. So if this education system is promoting skill-based education from 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, this individual would have had certain skills in him in these 5 years, which as of today is going to start only after 12th. So, I very strongly support this skill-based system. I very strongly support this thing for parents. जैसे मेरे जैसे जो माँबाप हैं, जो कहते हैं कि मेरे बच्चे अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी सबको घुसाए जा रहे हैं, वही दसवीं तक की साइंस मैथ पढ़ाए जा रहे हैं. I think people will have much more option. And as an individual also, बहुत तरीके के बच्चे होते हैं. कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको सब कुछ बताना पड़ता है तब वो करते हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको कुछ नहीं बताना होता, सब कुछ वो खुद से करते हैं. तो जो ये बच्चे हैं जिनको कुछ बताना नहीं पड़ता, जो सब कुछ खुद से करते हैं, उन लड़कों के लिए ये डिस्गाइज भी नहीं बोलूंगा मैं, आई थिंक दिस इज प्योर ब्लेसिंग. जिन जिन बच्चों के लिए जो अपना सब डिसीजन खुद से लेते हैं, सब कुछ खुद से कर लेते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. I think we have spent a lot of time. Yes. You being the master of the house, I am looking at the watch. Yeah. And so let's take a couple of questions. Yes, a couple of questions, sir, and many youngsters are here. So vocational training and internship culture is also promoted in new scheme. Yes, very true. Sir, implementation is important. Okay. Any other questions related to SSB, joining armed forces, Navy, Army, anything you can ask. 5 more minutes and then we'll wind up. I think most of them would have seen me at least live or face to face. So just to mention here, I feel jitna inspiration mile wo kam hai, you know. Not really. I think there is a lot of responsibility that I assume when I see these students and people. You know, we always tend to look the glamorous part of anybody's life, but behind that there is a lot of hard work. So it's 8 o'clock and I'm up since 4 o'clock in the morning. I did my 12 kilometer run. My Mondays are the hardest day because on Mondays I don't only have my runs, but I also have my strength training and my mobility.
So that means I have 3 hours workout schedule on Mondays. And after that, it was a festival. So you have to be present in the house. You know, your family has expectations from you. And to top it all, about to sleep and I got a call. So I had been on my laptop right from 3:30 till 6:30 and now I'm here. So I feel that now I will have early dinner and I'll crash, but aisa ho nahi payega. But that's okay. I mean, let's wind up jo SSB I'm there and I very often I come live and I resolve your queries. And sir is also there. We always try and answer your questions whenever there is any in messages. So rest assured and I'll come again with sir. So let's wind up, sir, for you because you've had a long day. No, it's absolutely fine. I think she is there. Another shift that I have seen in last 3-4 months, and I really feel that this is how any adversity brings out positivity around us. So इस lockdown के पहले किसी ने बहुत कम लोगों ने बहुत सारे लोग जो इस space में आज की date में काम कर रहे हैं SSB की tips दे रहे हैं लोगों को motivate कर रहे हैं mentor कर रहे हैं किसी ने SSB tips का नाम नहीं सुना था Jazz was not there here Vijay sir was not into this space I am sorry if you were available in this space but I'll be very honest here. Even I had not come across you before this lockdown. And I was not so regular that I've been in this this thing. So I have realized... My journey has just begun, sir. I retired almost 3 years ago and I was abroad. My husband was deputed there. After my retirement, I joined him 2 years. Last year, I came and I started everything, Brilliant. From there on. So you know, that's what I'm just looking at the silver lining. Okay. I want people to follow these real people and not, मैं मतलब एक दिन अपने सोशल मीडिया पे लिखने वाला हूँ कि हर आर्मी रिलेटेड पेज उसके एडमिन का एक्सेस होना चाहिए लोगों के पास आई एम फॉलोइंग अ पेज देर आर 1 lakh पीपल फॉलोइंग अ पेज एंड यू डोंट इवन नो हु इज द एडमिन यस यस एंड पीपल आर ब्लाइंडली फॉलोइंग मतलब एकदम वो फोटो लगाया जा रहा है किसी दिन हमारी लगा देगा किसी दिन आपकी लगा देगा किसी दिन किसी और की लगा देगा किसी दिन एकेडमी की किसी की लगा देगा और जनता लगी हुई है उसमें यस 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 यू नीड टू नो हु यू आर फॉलोइंग What is the credential of the person जिसको आप इतने blindly रोज kudos पे kudos दिए जा रहे हो? So I'm really happy that you know this space is now getting saturated with a lot of people who have credentials to them. There is substantial knowledge that everybody is backed up with, and that's where the ma'am quality will come out sir, from. Ma'am, Avi. Ma'am. That's okay. I'm just joking. I think she's been the pillar in my life. If she was not there, I wouldn't have been what I am today. So highest level of gratitude for her and I'm truly blessed to have her in my life as a partner I'm sure so that's it this is what it is awesome sir so all right sir thank you so much all right thank you so much Sadhana I hope thank your you so I was up to your expectation absolutely and absolutely sure sir. I'll show you आके मेरे बगल में मुझे चिढ़ा रहा है अच्छा ऑल राइट शौर्या ओके ऑल राइट सो आई शैल कैच अप विद यू समटाइम सून व्हेन थिंग्स आर नॉर्मल आई कीप कमिंग टू बॉम्बे एट लीस्ट 5 to 6 टाइम्स इन अ ईयर बट आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टिंट फॉर एवरीवन फॉर एवरीथिंग दैट वी हैड बीन डूइंग सो नो क्रिब्स एंड दिस थिंग अराउंड इट So, I shall catch up soon. Otherwise, all right, to all the listeners, we are always available. Please reach out to us whenever you want. I, as of now, in spite of, have a larger family, a good number of lovers and supporters, I have till date replied to every text that has hit my inbox.
And you would not believe these numbers are not small. Sometimes in a day, it touches more than 500. Wow. But abhi tak to manage kar pa raha hu. I've been able to reply to every text that I get. That's awesome. I do that. That's awesome, sir. Awesome. Yes. All right, sir. All right. All right. Thank you so much, sir. Thank you so much for consenting and coming and inspiring us with a lot of your life journey. It was really motivational and awesome. Kudos to you, sir. Thank you. And say my hi to ma'am. Kabhi nahi. Nahi? Kyun? That's just a joke, yaar. Okay. Yeah, I will do that. All right, sir. Okay. Bye. Take all right, care. Sir. Bye. Bye. So you're a guest, so. Who? You are a guest, so you're supposed to exit first. Say bye first. Oh, okay. Say bye Sayonara. First and exit. Bye, everyone. All the best. And I hope you all had a good Raksha Bandhan. And believe in these festivities. Believe in your own people. These relationships yes. are the real relationships. Ye jo social media ki zindagi hai, yahan koi aapko khana dene nahi aayega. बहन को पटा के रखो जिंदगी भर काम आएगी चलो बाय ऑलराइट सर बाय बाय सर बाय 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 ऑलराइट एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आई एम श्योर द मोमेंट सर इज गॉन मोस्ट ऑफ यू विल जस्ट लीव आई एम श्योर आई कैन सी द नंबर्स रिड्यूसिंग वेरी ड्रास्टिकली थैंक यू एवरीवन टू नेम अ फ्यू दीपक प्लैटिनम सोल Plentiful soul, okay, plentiful soul. Krishna, Vishal, Payal Rajput, Ashish, Hakuna Matata, Hamesha ke liye, okay, all right. Mr. Aryan. Suchitra, hi. How are you? People, I think it will be very difficult to take all those 80-90 names which are here. And I hope you all had wonderful, Raksha Bandhan today. And I'll keep coming. I'll keep getting more guests, inspiring ones. And I'm sure it will be, we'll make the most of the lockdown today. All right, bye-bye. There's someone else. So there's someone who wants to join, if at all you want to join. I'll give you 2 minutes. All right. All right, bye-bye. Take care.